प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। गरीब कल्याण हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनका संकल्प है हर गरीब को मकान मिले, सबको आवास। उन्हीं के इस संकल्प को पूरा करते हुए कैबिनेट ने फैसला किया है कि हमारे 2 करोड़ गरीब भाइयों और बहनों को ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाए जाएंगे, कोई गरीब वंचित ना रहे। इसलिए पात्रता की शर्तों में भी परिवर्तन किया गया है। दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है, जिसमें कि अब जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 में और भी ज़्यादा मतलब लोगों को इसका बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आपने जितने भी सारे अभी तक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के जो क्राइटेरिया होता था उसके वीडियोज़ देखे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड, जो कि यहां पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि अब यहां पर और भी ज्यादा लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 का बेनिफिट दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको जो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताने वाला हूं। तो कुल मिलाकर यहां पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 में सबसे बड़ी गुड न्यूज यह है कि अब यहां पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा हितग्राही जो है इसका बेनिफिट ले सके। इसके लिए यहां पर जो है सरकार ने एक सर्वे सूची भी जारी कर दी है और यहां पर जो है अब सर्वे भी इसका स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि अगर अभी तक आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट नहीं मिला है तो आप इजीली आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिलने की संभावनाएं हैं। क्योंकि यहां पर जितना भी सारा पुराना क्राइटेरिया था उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। जैसे कि पहले यहां पर एक क्राइटेरिया रखा गया था कि अगर आपके पास में 2 पहिया वाहन है तो आप जो है इस योजना में एलिजिबल नहीं है, लेकिन दोस्तों अभी उस क्राइटेरिया को पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो उस तरह के काफी सारे क्राइटेरिया यहां पर जो है हटाए गए हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियरी को प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिल सके। तो इस पर जो है केंद्रीय विकास मंत्री जो हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी है, उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया था वो भी मैं आप लोगों को यहां पर जो है सुनवा देता हूं, जिससे कि आपको जो है और भी सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड क्लियर हो जाएगी और आप जो है फिर इसका बेनिफिट इजीली ले पाएंगे। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। गरीब कल्याण हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनका संकल्प है हर गरीब को मकान मिले, सबको आवास। उन्हीं के इस संकल्प को पूरा करते हुए कैबिनेट ने फैसला किया है कि हमारे 2 करोड़ गरीब भाइयों और बहनों को ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाए जाएंगे। इन 2 करोड़ मकानों पर 3 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा राशि खर्च की जाएगी और कोई गरीब वंचित ना रहे। इसलिए पात्रता की शर्तों में भी परिवर्तन किया गया है। अब 2 पहिया वाहन वाले भाई बहन मकान के लिए पात्र होंगे। जिनके पास मोटर चलित वोट है वो भी पात्रता की सूची में आ जाएंगे। अभी तक 10,000 रुपया से अधिक आय अगर परिवार की होती थी तो इस योजना के अंतर्गत वो पात्र नहीं माने जाते थे, लेकिन अब 15,000 रुपया भी मासिक कमाते हैं तो उनके मकान भी बनाए जाएंगे। हमारे वो भाई बहन जिनके पास खेती है, अगर उनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित ज़मीन है और 5 एकड़ तक असिंचित ज़मीन है, तो वो भी अब इस योजना के अंतर्गत मकान प्राप्त कर सकेंगे। और केवल मकान नहीं बनेगा, मकान के साथ साथ सभी बुनियादी सुविधाएं अलग अलग योजनाओं का कन्वर्जेंस करके उपलब्ध कराई जाएंगी। मकान में शौचालय, पीने का पानी, गैस का चूल्हा और तो और सोलर पैनल बना के बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी। हमारे सभी दिव्यांगजन भाई और बहन इस योजना के लिए पात्र होंगे। हमारे अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के भाई बहनों के मकान भी इस योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे। और हाँ, पहले से जो पात्र हैं आवास प्लस की सूची के तहत, उनके मकान तो बनेंगे ही, लेकिन अगर कोई छूट गया था पिछले सर्वे में तो उनको भी इस योजना में जोड़ने के लिए फिर से सर्वे किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जो सबसे पीछे है और सबसे नीचे है वो हमारे लिए सबसे पहले है। दरिद्री हमारा नारायण है, गरीब ही हमारा भगवान है। ये संकल्प है हमारा, प्रधानमंत्री जी का। इसी संकल्प की पूर्ति का माध्यम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना।
तो दोस्तों इस तरह से यहां पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 का जो है कंप्लीटली क्राइटेरिया चेंज हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो क्राइटेरिया था कंप्लीटली चेंज हो गया है। आई होप कि आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है सही तरीके से मिल गई होगी। अब दोस्तों जैसे भी आगे प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई भी नई अपडेट आती है तो वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो उसके वीडियोस के माध्यम से कैसे इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस रहेगा, सर्वे मोड में होगा या ऑनलाइन मोड में होगा, उसमें भी अगर कोई चेंजेस आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से इजीली मिल जाएगी। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।